22 मार्च 2024। जी हाँ दोस्तों, ये वो डेट है जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीएल 2024 का महासंग्राम बस शुरू ही होने वाला है और 22 मार्च से इसकी शुरुआत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इन्हीं दोनों टीमों के बारे में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीएल 2024 का जो आगाज होने वाला है वो इन दोनों टीमों के साथ ही होने वाला है, क्योंकि 22 मार्च 2024 को इन दोनों के बीच में महाभिड़ंत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में 22 तारीख को एम चिदंबरम स्टेडियम में 8 बजे रात को यह मुकाबला खेला जाने वाला है और इन दोनों ही टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए अब बताते हैं आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 से। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी के कप्तान फैब डुप्लेसी ने ओपनिंग स्लॉट में अपने आप को और अपने साथ विराट कोहली को रखा है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2023 में ये जोड़ी ने बहुत धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी आरसीबी के सभी मैचों को, तो इसी को देखते हुए फैब डुप्लेसी ने विराट कोहली को अपने साथ रखा है और ये दोनों ही बल्लेबाज जब जम जाते हैं तो किसी के बस की इनको आउट करना नहीं रहता है, तो एक बार फिर से ये गेंदबाजों की धुनाई करते नजर आने वाले हैं। तो वहीं पे फैब डुप्लेसी ने नंबर 3 पर जगह दी है विस्फोटक बल्लेबाज महिपाल रोमरोर को। जी हाँ दोस्तों, महिपाल रोमरोर का आईपीएल 2023 खासा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उससे पिछले आईपीएल में उन्होंने काफी अच्छी पारियां खेली थी और इसी का फायदा आईपीएल 2024 में उन्हें मिला है। तो वहीं फैब ने नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को जगह दी है। दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2023 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने शानदार दोहरा शतक लगाया था। इसी को देखते ही फैब ने उन्हें नंबर 4 पर खिलाने का फैसला किया है इस बार। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर 5 पर, तो शहबाज अहमद को जगह दी गई है। दोस्तों, हालांकि शहबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आईपीएल 2023 में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था और इसी का नतीजा है कि आईपीएल 2024 में एक बार फिर से आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों, वहीं अगर नंबर 6 पर बात करें तो आरसीबी के कप्तान फैब डुप्लेसी ने अनुभवी बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को जगह दी है। दोस्तों, दिनेश कार्तिक का आईपीएल 2023 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अगर बात करें उससे पहले आईपीएल 2022 के बारे में, तो वहां पे उन्होंने बहुत विस्फोटक पारियां खेली थी। तो वहीं अगर 7वें नंबर पर बात करें तो युवा सुयास प्रभु देसाई को जगह मिली है। दोस्तों, सुयास प्रभु देसाई काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और न्यू बल्लेबाज हैं और इसी का फायदा आईपीएल 2024 में वह उठाने वाले हैं और इसी की वजह से इंडियन टीम में वापसी करने वाले हैं और आईपीएल 2024 उनके लिए बहुत खास रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों, अगर बात करें नंबर 8 पर, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पारनेल को मौका मिला है। दोस्तों, पारनेल बहुत अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और इसी की वजह से उन्हें नंबर 8 पर मौका दिया गया है और नंबर 8 पर खेलते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए। तो वहीं अगर बात करें नंबर 9 पर, तो यहाँ पर न्यू खिलाड़ी कैमरन ग्रीन को मौका मिला है। दोस्तों, कैमरन ग्रीन मुंबई इंडियंस से आरसीबी में आए हैं और इस बार वह आरसीबी की तरफ से आईपीएल 2024 में काफी धमाल मचाने वाले हैं। तो वहीं अगर 10वें नंबर पर बात करें तो वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को मौका मिला है। दोस्तों, अल्जारी जोसेफ आईपीएल में आरसीबी की तरफ से पहली बार खेलते नजर आने वाले हैं और पहली बार खेलते हुए आरसीबी की तरफ से आईपीएल 2024 में काफी विकेट लेने वाले हैं और आईपीएल 2024 में आरसीबी को चैंपियन बनाने में मदद करने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, अगर बात करें 11वें पायदान पर, तो यहां पर दोस्तों मौका दिया गया है विजय कुमार बिशेक को। दोस्तों, विजय कुमार पहली बार आईपीएल 2024 में आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आरसीबी की प्लेइंग 11 के बाद अब बात कर लेते हैं सीएसके की प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनिंग स्लॉट में, तो यहाँ पे कप्तान धोनी ने डेवन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया है। दोस्तों, आईपीएल 2023 में ये जोड़ी ने काफी धमाकेदार बल्लेबाजी की थी और चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाने में काफी मदद की थी, तो आईपीएल 2024 में एक बार फिर से चेन्नई की तरफ से ओपनिंग स्लॉट में ये दोनों ही बल्लेबाज ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं और दोस्तों हर एक गेंदबाज की धुनाई ये दोनों बल्लेबाज करने वाले हैं, यह कन्फर्म है। अगर बात करें नंबर 3 पर, तो एमएस धोनी ने मौका दिया है अजिंक्य रहाणे को। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे काफी विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जैसा कि हमने आईपीएल 2023 में देखा था। हालांकि वह आईपीएल 2023 के बाद टीम इंडिया में वापसी करने में नाकाम रहे थे, लेकिन उन्होंने आईपीएल 2023 में अपना एक अलग ही रूप दिखाया था क्योंकि उन्होंने काफी लंबे लंबे सिक्सेस भी लगाए थे। तो वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर मौका दिया है कप्तान धोनी ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली को। दोस्तों, मोइन अली ने हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में वे जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं
और इसी का फायदा आईपीएल 2024 में वह उठाने वाले हैं। और दोस्तों मोइन अली काफी अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो वहीं दोस्तों अगर पांचवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे शिवम दुबे को मौका दिया है कप्तान धोनी ने। दोस्तों हो सकता है कि शिवम दुबे नंबर पांच की जगह नंबर चार पर खेलते नजर आने वाले हैं और नंबर चार की जगह मोइन अली नंबर पांच पर जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शिवम दुबे काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और कप्तान धोनी उन्हें ऊपर मौका दे सकते हैं। और शिवम दुबे आईपीएल 2024 में काफी अच्छी बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों कप्तान धोनी ने छठे नंबर पर मौका दिया है ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने अभी पिछली टेस्ट सीरीज में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और शानदार शतक ठोका था, और इसी को देखते हुए आईपीएल 2024 में कप्तान धोनी ने उन्हें ऊपर खिलाने का फैसला किया है, क्योंकि वह काफी धमाकेदार फॉर्म में चल रहे हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं अगर सातवें नंबर पर बात करें तो कप्तान धोनी ने खुद को मौका दिया है। दोस्तों सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कप्तान धोनी काफी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और लास्ट के दो या तीन ओवर में वह बल्लेबाजी करने आते हैं और काफी कुटाई करते हैं गेंदबाजों की। तो एक बार फिर से आईपीएल 2024 में कप्तान धोनी एक बार फिर से गेंदबाजों की कुटाई करते नजर आएंगे। तो दोस्तों अगर आठवें नंबर पर बात करें तो श्रीलंका के गेंदबाज महिषा पथिराना को मौका दिया है कप्तान धोनी। दोस्तों श्रीलंका का ये उभरता सितारा अपनी यॉर्कर गेंदबाजी और स्विंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि इनकी यॉर्कर बहुत घातक रहती है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि इनका एक्शन जो है कुछ कुछ मलिंगा की तरह है, इसकी वजह से बल्लेबाज इनकी जाल में आसानी से फंस जाते हैं। तो वहीं दोस्तों अगर बात करें नौवें नंबर पर तो यहाँ पर मौका मिला तुषार देशपांडे को। दोस्तों तुषार देशपांडे का आईपीएल डेब्यू पिछले साल ही हुआ था और उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था सीएसके की तरफ से आईपीएल 2023 में। इसी वजह से आईपीएल 2024 में सीएसके की टीम ने एक बार फिर से उन्हें अपनी टीम में ले लिया है। तो वहीं दोस्तों अगर दसवें नंबर पर बात करें तो यहाँ पर मौका दिया है महेश तीक्ष्णा को। दोस्तों महेश तीक्ष्णा श्रीलंका के एक काफी अच्छे गेंदबाज हैं और उन्हें एक बार फिर से सीएसके की टीम में शामिल किया है, और महेश तीक्ष्णा आईपीएल 2024 में काफी विकेट चटकाते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों अगर 11वें नंबर पर बात करें तो यहाँ पर मौका दिया है इंडियन तेज गेंदबाज दीपक चहर को। दोस्तों दीपक चहर आईपीएल 2023 के बाद इंडियन टीम में वापसी करने में कामयाब रहे थे और वह काफी अच्छी गेंदबाजी करेंगे आईपीएल 2024 में। तो दोस्तों कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय।